यहाँ पर Realme की न्यू सीरीज़ की लाइव फ़ोटो निकल कर आ गई है जो Realme रेस के नाम से आ सकता है। आज मैं आप सभी को इसके कुछ स्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक माइंड यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं, आते हैं इसकी डिस्प्ले की तरफ। तो आपको इसमें 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। ऑफकोर्स इसमें आपको एक सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है। डिस्प्ले के मामले में बहुत अच्छी डिस्प्ले होने वाली है और साथ ही इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। जो फोटो निकल कर आई है उसके मुताबिक बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी का सेंसर यूज किया जाएगा। साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलने वाला है। फ्रंट में भी आपको सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। बात करें इसकी डिजाइन की, तो आपको इसमें बैक साइड में लैडर टाइप की डिजाइन देखने को मिल जाती है, जिससे फोन देखने में बहुत कूल लगता है। चलिए और बात कर ले इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट, जो कि अब तक के लेटेस्ट सबसे पावरफुल चिपसेट है। ये चिपसेट 2.9 GHz ऑक्टा कोर पर रन करता है और इस फोन में आपको 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, जो कि एंड्रॉयड 11 पर रन करेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर ले इसकी बैटरी की, तो आपको इसमें 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 65W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और साथ में आपको इसमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन Realme रेस के नाम से नहीं आने वाला है, क्योंकि Realme के CEO ने कंफर्म करके बता दिया है कि जैसे नाजो सीरीज आई थी, वैसे ही ये एक न्यू सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ये एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होने वाला है। भाई और मेरे दोस्तों, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है, प्लीज़ यार एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बात कर ले इसकी प्राइस और लॉन्च डेट की, तो दोस्तों प्राइस की भी लीक निकल कर आ चुकी है, जो कि अराउंड 35,000 हो सकती है। यहाँ पर लॉन्च डेट के बारे में हिंट दे दिया है। Realme के CEO ने बता दिया है कि Realme का ये स्मार्टफोन 2021 को देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है। वैसे आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।